ओसीडी एक विचार ही तो है, इसे बदला जा सकता है। जी हाँ दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे। नमस्कार दोस्तों, एबी माइंड ट्रेनिंग सेंटर की तरफ से मैं आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूँ। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि ओसीडी एक विचार ही तो है, इसे बदला जा सकता है। आज के इस वीडियो में काफी डिटेल में इसे समझेंगे। वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग रहने वाला है, वीडियो काफी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि ऐसे और भी बहुत सारे वीडियोज आपको इस चैनल पर मिलते रहेंगे। आज का वीडियो हम शुरू करते हैं और जानते हैं कि ओसीडी मात्र एक विचार ही तो है, इसको समझ लीजिए यह खत्म हो जाएगा। बहुत सारे लोगों से जब मैं बात करता हूं तो वह बोलते हैं कि सर मुझे इतने टाइम पहले मैं ठीक था, उसके बाद में मुझे ये ओसीडी हो गया, मेरा तो जीवन ऐसा ही हो गया, ये तो ऐसा हो गया, मुझे तो बस ऐसा लगता है मेरा जीवन खत्म हो गया है, मुझे और जीने की इच्छा नहीं है, सर सब कुछ छूट गया है, मेरा ये हो गया है, मेरा वो हो गया है, ये वो ये वो। ठीक है, मैं हमेशा बोलता हूं कि ओसीडी एक मानसिक बीमारी ही तो है। और इसके अंदर भी समझिए, ओसीडी क्या है? ओसीडी एक विचार ही तो है, तुच्छ सा, जिसके अंदर आपने कोई चीज को रखा हुआ है मान करके। अब उस चीज को हटा दीजिए, ओसीडी खत्म हो जाएगी। अब बहुत सारे लोग बोलते हैं सर आप वीडियो में जितना बोलते हो ना उतना आसान नहीं है, जिसके ऊपर बीतता है उसको पता है। जी हाँ, मैं मानता हूं इस बात को कि जिसके ऊपर बीतता है उसको पता है। तो आप मुझे एक बात का जवाब दीजिए, हम पूरे दिन में इतने लोगों से बात करते हैं, इतने लोगों के बीच जाते हैं, इतने टाइम से इसका स्टडी कर रहे हैं और इतना कुछ हो रहा है, तो हम लोगों को पता नहीं है कि इसमें क्या होता है? नहीं पता है हमें? तो आप इस बात को समझिए ना, हम यहाँ आपके मजे नहीं ले रहे, हम यहाँ आपको बता रहे हैं कि इस तरीके से आप इससे बाहर निकल सकते हो। अब बहुत सारे लोगों को पता है किस बात का रहता है कि सर मुझे सहानुभूति देंगे, ओहो आपको ये प्रॉब्लम है, ये हो गया वो हो गया। अरे मैं यही तो बोल रहा हूँ ना, सहानुभूति तो देनी नहीं है, खुद को कितने टाइम तक सहानुभूति देते रहोगे, कितने टाइम तक, और कितनी सहानुभूति चाहिए, और सहानुभूति लेने के बाद में क्या आप ठीक हो रहे हो ओसीडी से, इसका जवाब दे दीजिए मुझे। नहीं हो रहे ना सहानुभूति। चलो मैं बोलता हूँ आपको बहुत भयंकर प्रॉब्लम है आपकी, प्रॉब्लम ओहो बहुत डेंजरस प्रॉब्लम है, आप क्या करो बेचारे, आपके हाथ में थोड़ी ना है तो आप इसको ठीक कर सकते हो, ऐसा थोड़ी ना हो सकता है। चलो ये बातें मैंने आपको बोल दी, अब बताओ इससे आपको क्या रिजल्ट मिल गया, बताओ मिला कुछ रिजल्ट? तो इसीलिए तो बोल रहा हूँ ना, अपने ऊपर सहानुभूति मत दिखाइए। अगर आप भी अपने ऊपर सहानुभूति दिखा रहे हो ना तो उस जोन से बाहर निकल जाइए, उस जोन से बाहर निकल जाइए। अगर ओसीडी को ठीक करना है तो सहानुभूति क्यों दिखाना चाहते हो आप अपने आप को? आप अपने आप को सहानुभूति किस लिए दिखा रहे हो? सहानुभूति दिखाने से क्या हो जाएगा बताओ? ओसीडी ठीक होती है? नहीं होती, उसको और ज्यादा बढ़ावा मिलता है, उसको और ज्यादा गहन बढ़ावा मिलता है, वो और बढ़ती रहेगी। आप सहानुभूति दिखाते रहो, ओसीडी बढ़ती रहेगी। समझो इस बात को, मैं यहाँ गलत नहीं बोल रहा, मैं आपके फायदे की बात बोल रहा हूँ कि ओसीडी एक तुच्छ सा विचार ही तो है, एक तुच्छ से विचार की देन ही तो है, ओसीडी एक विचार की बीमारी ही तो है। क्या विचार आपने पैदा किया उसकी वजह से ये चल रहा है, इसको सॉल्व करो समस्या ठीक हो जाएगी। अब आपको सहानुभूति चाहिए तो वो नहीं मिलने वाली, और मेरे से ऐसी उम्मीद भी मत रखना। बहुत लोग बोलते हैं आपको क्या पता ऐसा हो जाता है वैसा हो जाता है ये हो जाता है वो हो जाता है। ठीक है भाई, अगर आपको सहानुभूति चाहिए तो मैं आपको इसके अंदर सहानुभूति नहीं दे सकता, मैं जो बात है वही कहूँगा और उसी के ऊपर अडिग रहूँगा। अगर अपने ऊपर सहानुभूति दिखाओगे, सहानुभूति दिखाते रहो तो आपकी ओसीडी ठीक होती है, तो कर लीजिए, वरना सहानुभूति दिखाने से ओसीडी ठीक नहीं होगी। इस बात को समझो, जितना जल्दी एक्सेप्ट कर लोगे उतना जल्दी रिजल्ट मिलेगा। रोज अपने आप को मत बताइए मैं बीमार हूँ, मैं लाचार हूँ, मैं परेशान हूँ, मुझे यहाँ छींटे से डर लगता है, मेरी घबराहट होती है, मैं ये नहीं कर सकता, मैं वो नहीं कर सकता, ये सब रोज बताओ तो फिर अगर आपकी ओसीडी खुद से ठीक होती है तो बताते रहो, इसमें कुछ नहीं रखा हुआ है। बात मेरी मान लीजिए और उचित कदम उठाइए, अपनी ओसीडी को खत्म करिए। क्यों अपने जीवन के साथ खिलवाड़ करने में लगे हुए हो? मत करिए ऐसा, ये जीवन दोबारा नहीं मिलता, इसको खूबसूरत बनाइए। ये आपका जो जीवन है ना, इसको ऐसा समझिए कि आप एक किसान हो और किसान ने एक बीज बोया है जमीन के, अब उसका फर्ज बनता है कि इस बीज से उचित फसल प्राप्त करे वह, और इसके लिए जो भी सफल प्रयास है वह करे, इसके लिए जो कदम उठाने हैं ना, इसका जो भी करना है, पानी लगाना, खाद डालना, वह डालिए। मैं ये कहना चाहता हूँ आपको
इन पचड़ों में मत पड़िए, सहानुभूति के पीछे मत भागिए, आपका जीवन अच्छा हो जाएगा, ओसीडी से बाहर निकल जाओगे। मैं बोल रहा हूँ, कर लीजिए, मान लीजिए मेरी बात को, एफर्ट लगाइए, ओसीडी से बाहर निकल जाओ। यदि आज की यह वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसे लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और आपको भी ऐसी कोई समस्या है दिए गए नंबरों पर कॉल करिए, ऑनलाइन ऑफलाइन हमारे साथ जुड़िए, हमारी मदद लीजिए। आज के इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।